शर्मा जी, वो अंदर जज साहब हमें टाइम देंगे। नहीं नहीं नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जज साहब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आराम से उनका जवाब दीजिएगा। पर हमारा डेट पोस्टपोन भी तो है। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं बस, जिनका नाम लिया गया है वो रोकें, बाकी के जा सकते हैं। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमको एक्सेल नहीं। प्लीज भाई साहब और बहन जी समझाइए ना। देखिए आराम से बात कर लेना यार, आराम से। प्लीज प्लीज हम अंदर जाएंगे। प्लीज आप रुक जाइए भाई साहब, एक केस खारिज हो गया है, शायद आपका नंबर आ जाएगा। अपना तो पक्का है पांडे जी। अरे शर्मा जी, इतना जुगाड़ लगाया है, अपना तो पक्का ही होगा ना। क्यों आग आग, अरे आग लग गई, आग लगी, भागो भागो भागो। नहीं, ये आपने किया क्या? नाथ जी को मैं सोच जरूर रही थी ऐसा कुछ करने की, लेकिन तब तक किसी और ने आकर कर दिया, वो भी गलती से। जी को गोपाल ने हमारी सुन ली है ना बुढ़िया रानी, अब तो भगदड़ मच गई है, अब तो नहीं होगा ना उनका तलाक। अगर अभी तक ना हुआ हो तो? नहीं हुआ कीर्ति, मैं अभी क्लर्क से मिलकर ही आ रहा हूँ। नानी उसने कहा कि अभी तक कार्तिक नायरा की फाइल अंदर गई नहीं। पक्का ना जी को? थैंक गॉड, क्योंकि अभी तक नहीं गई तो जाएगी भी नहीं, क्योंकि वैसे भी कोर्ट बंद होने का समय हो रहा है। गलत तरीके से गलत को रोकने जा रही थी बाल गोपाल, लेकिन आपने पहले ही बचा लिया। बहुत बड़ी कृपा है आपकी, कृपा है। चलिए चलिए, आप लोग बाहर चलिए प्लीज, आप लोग भी भीड़ मत लगाइए प्लीज। चलिए चलिए जाइए, चलिए बाहर चलिए, बाहर जाके वेट करते हैं। रुक जाइए सब लोग, कुछ नहीं हुआ है, वो अलार्म गलती से बच गया, किसी के जान को कोई खतरा नहीं है। जज साहब पेंडिंग केस की सुनवाई करेंगे, आ जाइए आप सब लोग, आइए। कार्तिक जी आइए। मैडम जज साहब सुन रहे हैं। आइए आइए, तो सारी आइए आगे आइए। लोग तो आ रहे हैं पर वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। हो सकता है कि वो लोग कुछ बात कर रहे हो आपस में, या फिर लॉयर्स के साथ झूठ हो रही है। जब तक दोनों आते हैं तब तक घर पे कॉल करके बता दे कि शादी में उदासी नहीं रहेगी। वैसे भी सबका मूड खराब ही था वहां पर, ये सुनने के बाद आई थिंक बेटर फील करेंगे। हाँ। 5 मिनट और बस, भाई साहब आपका नहीं हो पाएगा, आप जा सकते हैं। इस फायर अलार्म के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो गया। पांडे जी अपना होगा कि नहीं, ऑलरेडी ये केस अंदर है और बाहर इतनी मारा मारी है, पता नहीं उम्मीद कुछ कितनी है आज। देखते हैं। कैसी शादी थी, ताई भाई और भाभी थे, ताई दीदी और जीजू, अब क्या विदाई भी उनके बगैर ही होगी मेरी। रो मत बेटा, राजश्री बहन गई ना उन दोनों के पास, वो जरूर कुछ अच्छी खबर लेके आएंगी। हेलो पापा, दादी मानसी, कार्तिक नायरा का डिवोर्स नहीं हुआ आज, यहाँ पे कोर्ट में कुछ फॉल्स अलार्म बच गया जिसकी वजह से कोर्ट का टाइम वेस्ट हो गया,
और उनकी फाइल अंदर नहीं गई। सुहासिनी जी, बाल गोपाल ने हमें बचा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र, बला टल गई। ये देखिए अनु की विदाई, दुल्हन नाच रही है खुशी से। हम यहाँ तुम्हारे भाई भाभी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे बाहर आएंगे ना, ऐसी डांट लगाऊंगी मैं कि तुम्हारे पग फेरे से पहले वो दोनों खुद फेरे ले रहे होंगे, देखना। बस अब वो दोनों जल्दी घर आ जाए, सारे दुख सारी दूरियां खत्म हो जाए बस। जी आई मैम, आपका नंबर। मुझे नहीं चाहिए तलाक। सुनो, मुझे ये तलाक वलाक नहीं लेना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? अभी तक तो कह रही तुम्हें डिवोर्स चाहिए, अब नहीं चाहिए। हम लोग का नंबर आने वाला है। अरे मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तलाक, तो नहीं चाहिए। मधु, मधु। मैडम। अरे मधु, अजीब है। चलिए अच्छा है, अगला नंबर आपका है। जल्दी जल्दी सब करिएगा, 4 बजने वाले हैं। जो पूछना है भाग में पूछिएगा। आप ही अंदर चलिए, अपना नंबर आ गया। आइए आइए, चलिए चलिए। तो अरे चलिए सर, सर लेट हो। आइए आइए। तलाक लेना है। या फिर डिसीजन चेंज हो गया, जैसे ही तुमसे पहले आने वाले कपल ने लिया था। नहीं सर, नहीं लेना तलाक। हमें सेकंड चांस देना अपनी शादी को। एक चांस और देना है। हमें अलग नहीं होना, नहीं चाहिए कोई तलाक वलाक। शॉक हो गए आप लोग, सुन भी रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉरी सर, वो एक्चुअली हम, मेरा मतलब मैम, आपको इनसे मंथली मेंटेनेंस वगैरह कुछ लेना है? नहीं सर। आपके गहने, जेवर, श्रीधन कुछ भी लेना बाकी इनसे? नहीं सर। ये वो हम Divorce granted, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। Divorce granted, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका, अब क्या, जाइए। किन शब्दों में आपका गुणगान करें भगवान, आपकी तो लीला अपरंपार है। आपने किट्टू और नायरा का तलाक रुकवा दिया, मानसी और अनमोल की शादी अच्छे से करवा दी। बहुत बहुत आभारी है आपके। राजश्री आंटी, अगर उन्हें समझा दे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना माँ जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ के समझाने का असर हो दोनों पे और दोनों बात मान जाए। मानेंगे कैसे नहीं, हम उनको समझाएंगे कि वो हमेशा साथ ही रहें। हाँ, भाभी हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमारी बात पक्का मान लेंगी। पहले कहाँ आएंगे, यहाँ या वहाँ? मुझे उनके वेलकम की तैयारी करनी है। मन तो ऐसा कर रहा है कि फोन करके अभी पूछूं कब आ रहे हो, शायद डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगेगा। हाँ भाई साहब, एक बार दोनों कोर्ट से घर वापस आ जाए, उसके बाद जो बात करने कर लेना। बात करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अब तक तो सब सॉर्ट हो गया होना चाहिए।
रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के संभलना। वाप इतनी जल्दी हमारा डिवोर्स? जज ने कुछ सुना भी नहीं और पूछा भी नहीं। मतलब हमें क्या चाहिए, क्या नहीं पूछा नहीं। मतलब पूछा तो था कि आपको कुछ मेंटेनेंस चाहिए, पर आपने मना कर दिया। नहीं वो तो डिवोर्स इतनी जल्दी कैसे, समझ में नहीं आया क्या हो गया ये? लगता है आपको भी फिल्मों की तरह बड़ी लंबी चौड़ी बहस की उम्मीद थी, जहां दोनों साइड के वकील एक दूसरे के क्लाइंट को नीचा दिखाते हैं, बेइज्जत करते हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, यही सपना? नहीं वो नहीं, पर म्यूचुअल डिवोर्स में ये सब झंझट नहीं होते मैडम, सिर्फ काउंसलिंग होती है और वो आप दोनों की हो गई। और वही एक ऐसा मौका होता है जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आपको इस केस में आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, और आपको तो दो तीन मौके मिले। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। आपको तलाक चाहिए था, वो मिल गया, अब किस बात का एतराज? आजकल के कपल्स को क्या चाहिए कुछ समझ में नहीं आता। मेरी बात मानिए, ये सब बेकार की बातों को छोड़ दीजिए और जाकर सेलिब्रेट कीजिए। और हाँ जी, मुबारकबाद, फाइनली आपका तलाक हो गया और आज से आप लोग आजाद हैं। तानी कहाँ रह गए हैं दोनों? I know, almost सब लोग तो निकल गए। मुझे लगता है वो किसी और रास्ते से बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के काफी रास्ते हैं। हो सकता है हमने उन्हें मिस कर दिया हो नानी। एक तो फोन भी नहीं है दोनों के पास कि कॉल करके पूछ ले कहाँ है। नानी हम एक काम करते हैं, मैंने गाड़ी मंगवा ली है, हम उसमें बैठते हैं और घर जाते हैं, और उन्हें वहीं पे मिल लेंगे ना। वैसे भी दोनों घर ही जाएंगे, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं ना। पर नानी आप सुन चीकू, ऐसा कर घर पे फोन करके कहते कि अगर वो वहां पहुंचे तो हमें खबर कर दे। बिटिया रानी, कार्तिक कहां हो दोनों? कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।